सर्वाइवर सीरीज होने में बस अब कुछ ही तो घंटे रह गए, इसलिए सर्वाइवर सीरीज 2021 के लिए बहुत सारे रूमर्स, अपडेट्स, न्यूज़, लीक रिजल्ट्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रिटर्न्स के रूमर सामने आ रहे हैं। तो जो जो भी सामने आया है अभी तक वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। अरे आज ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी जल्दी इंट्रो लाओ। ऑल सेट रिवर्सल फैन, माय नेम इज सर एंड विद दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दो मेजर हील टर्न के रूमर सामने आ रहे हैं। वैसे आपको पता ही कि रूमर्स क्या होता है, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उनमें से पहला हील टर्न है जो कि सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को मिल सकता है, शिंसुके नाकामोरा का। पहले जब मैंने ये चीज सुनी तो पहले तो मुझे लगा कि हील नहीं है पहले से। चलो अगर रूमर्स आ रहे हैं कि वो हील टर्न कर सकते हैं अपना, तो पक्का फेस ही होंगे फिर। यार मुझे लगता है कि उनके हील टर्न के रूमर इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि कल मैच होने वाला है शिंसुके नाकामोरा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, जिसमें कि दोनों ही फेस सुपरस्टार्स हैं। तो मैच के एंड में पक्का हमें किसी एक सुपरस्टार का हील टर्न तो देखने को मिल सकता है। इसमें ज्यादा चांसेस के नाकामोरा की है, इसलिए शायद ये रूमर सामने आ रहा है। चलो ये तो हो गया एक हिल्टन, लेकिन एक और हिल्टन के रूमर सामने आ रहे हैं, और वो हिल्टन हो सकता है फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली का। इसके ऊपर तो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता यार, पता नहीं क्यों उनका हिल्टन हो सकता है। अच्छा खासा बेबी फेस रन उनका रहा है और अभी भी चल रहा है, पर अब रूमर है तो है, क्या कर सकते हैं। चलो हिल्टन के रूमर्स तो खत्म हो गए, जरा हम सर्वाइवर सीरीज के एक मैच के लीक रिजल्ट पर आ जाते हैं। और ये मैच है WWE चैंपियन वर्सेस द यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन बिग ई वर्सेस रोमन रेंस का। और रूमर ये सामने आ रहा है कि इस मैच के रिजल्ट में हमें कुछ इस तरह का एंगल देखने को मिल सकता है, जब सेथ रॉलिंस अपनी इंटरफेरेंस करेंगे और वो हेल्प करेंगे रोमन रेंस की इन ऑर्डर टू विन द मैच अगेंस्ट बिग ई। और उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग चीज ये है कि हमें दो शील्ड मेंबर्स एक बार फिर से हमें रीयूनियन करते हुए दिख जाएंगे। हां वैसे इस रूमर के तो अच्छे खासे चांसेस हैं होने के। नेक्स्ट रिटर्न्स की बात हम कर लेते हैं, जो रिटर्न्स के रूमर सामने आ रहे हैं उनमें से पहला रिटर्न है जो कि हमें देखने को मिल सकता है एलायस का। अगर आपको धुंधला याद हो तो एलायस का हमने एक वीडियो पैकेज देखा था जिसमें कि वो अपने गिटार वगैरह को जला रहे थे, और वहां से हमें थोड़ा सा हिंट मिला था कि शायद हमें एलायस का एक नया कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। तो शायद वो सर्वाइवर सीरीज में अपने नए कैरेक्टर के साथ डेब्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का का। मनी इन द बैंक के बाद अब काफी टाइम हो गया उन्हें WWE से गए हुए, इसलिए उनके रिटर्न के रूमर्स भी सामने आ रहे हैं। और अगर वो आती है तो मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि वो बेकी लिंच के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व होंगी। थर्ड रिटर्न की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है एलेक्सा ब्लिस का, और उनके भी नए कैरेक्टर के साथ। उनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि एलेक्सा ब्लिस का अगर रिटर्न होता है तो वो शायद इन्वॉल्व हो सकती है शार्लेट फ्लेयर के साथ किसी फ्यूड में, और मैं तो इसके लिए पर्सनली इंटरेस्टेड रहूंगा। फोर्थ रिटर्न की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, तब तक नेक्स्ट रूमर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जो कि आ रहा है बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के मैच से। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रूमर ये है कि इस मैच के एंड में हमें बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज होती हुई दिख सकती है। अब वो कौन सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है उस पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, मतलब सिर्फ उसमें एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें, पांच बड़े बड़े शॉक्स एंड सरप्राइजेस जो कि WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए प्लान किए हैं, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया। तो ऊपर वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूमर जो कि सुनने को मिल रहा है, जो कि सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है, नो डाउट्स में बात कर रहा हूं, द ब्रह्मा बुल, द पीपल्स चैंप, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन ऑल ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, द रॉक के रिटर्न की। एज यू नो कि द रॉक की 25th एनिवर्सरी है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी WWE की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जो कि कंफर्म करती हो कि द रॉक सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं। एंड आई नो कि आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भी इसी चीज के लिए होगी, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी आप इसी चीज के लिए होंगे कि क्या द रॉक सर्वाइवर सीरीज में आने भी वाले हैं या नहीं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि द रॉक सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं। उसे देखने के लिए बस आपको ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन पर क्लिक करना है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कल सुबह जब सर्वाइवर सीरीज का शो चल रहा होगा उस टाइम पे मैं सर्वाइवर सीरीज में होने वाले हर एक मैच पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो बस चैनल के साथ चिपक जाना। अब मैं आपको मिलूंगा कल सुबह, और जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने सर्वाइवर सीरीज पे ऑलरेडी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हुई हैं, चाहे वो सर्वाइवर सीरीज के बड़े बड़े रिटर्न्स के बारे में हो, चाहे वो सर्वाइवर सीरीज के बिग शॉक्स एंड सरप्राइजेस के बारे में हो, या फिर सर्वाइवर सीरीज में होने वाले सभी मैचेस के बेटिंग ऑड्स के बारे में, जो कि आज सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी। और वो वीडियोस आपको कहां मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आराम से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और मुझे पता है कि आपकी एक्साइटमेंट किसके लिए सबसे ज्यादा है, तो उनका रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म कैसे हो चुका है वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करना। और अगर आपको सर्वाइवर सीरीज का बाय चांस डेट एंड टाइम नहीं पता है तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करना। बट इन दोनों में से किसी पर क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।